नमस्कार अली पोस्ट के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नियति। आप सभी को बता दूं ये जो टॉक शो है इसको संचालित ईटू बेकरी कर रही है और आज के हमारे जो गेस्ट है अनिल खड़प्पा जी और उनके साथ उनके ढोलक प्लेयर गुनिया जी जिनमें काफी सारे गुण है और ये हमारे साथ सिंगर है। पहले तो मैं इनका स्वागत करती हूँ आज के टॉक शो में। थैंक यू मैम। तो सर सिंगर हैं तो शुरुआत एक आपके भजन से हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है मैम। जाग सवेरे कर ले भजन, जाग सवेरे कर ले भजन, लगा के लगन भगवान से दूर रहो शैतान से, दूर रहो शैतान। हमने कभी नहीं सोचा, बस ऐसे ही चलते रहे तो चलो माता रानी का भजन कीर्तन करते रहे तो सारा कुछ होता रहा। गुनिया जी आप ढोलक प्लेयर हैं, इनके साथ हर एक मुझे लगता है कार्यक्रम में रहते होंगे। हाँ जी। तो ये ढोलक कब शुरुआत की थी ढोलक की? ये ढोलक मुझे हो गया कोई कम से कम कोई 14 साल। अच्छा, तो जब पढ़ाई चल रही थी अपनी जब पैदा हुए थे तो क्या तब उसके बाद ये सोचा था कि मैं कभी इस जगह में? बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैंने ये। क्या सोचा था कहाँ जाने का? एक्चुअली मैं इस फील्ड में पढ़ गया, मैं जाता था अपने दोस्त के घर पे, उसके पापा यानी कि तबला प्ले करते थे। अच्छा। तो ऐसे करते करते बस बढ़ गया। तो ये कहीं से सीखा या फिर बजा बजा अभी के तो प्रैक्टिस करके ही? बस खुद ही जो भी बजाता हूँ, मतलब गॉड गिफ्टेड ही हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है ना। सर जब आपने शुरुआत किया था तो घर की सपोर्ट किस तरह से थी आपको? घर की मतलब ये तो डेथ हो गई थी बचपन में, तो फादर साहब आदमी थे उनकी सपोर्ट थी मेरे को। अच्छा। वो करते थे कहते थे कर तुम जो करना कर, मेरे को आदमी भी भर्ती कराया, वो भी नौकरी छोड़ दी मैंने। अच्छा। हाँ, इसी शौक में पड़े थे। बोलते ना जब किसी सही चीज की लत लग जाए तो वो बस 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 यही ना शौक बड़ा था, इसका शौक था, बड़ा शौक था। सर कहाँ कहाँ जाकर अभी तक आपने जो कार्यक्रम किए हैं आपने? मैंने पंजाब में मुंबई में संजय दास जी के घर में किया। अच्छा। मैं जो मुकेश ऋषि जी हमारे जम्मू के गए हैं उनके घर में भी किया। अच्छा। हमारे यहाँ एक पंडित सुरेश मुंशी जी हैं, वही मेरे को लेके गए थे मुंबई। अच्छा। तो अब हमारा चक्कर लगता रहता उधर करते रहते करते रहते घूमने का मौका भी मिल जाता है। और तो सर आप कौन कौन सी लैंग्वेज में जो है वो भजन गाते हैं? डोगरी पंजाबी और हिंदी। फिर डोगर देश के वासी हैं तो एक डोगरी भजन मुझे लगता है हो जाना चाहिए। जन्नी दिए मूरते ओ बाकी ए गोरिए, नन्नी गंद लेनी गन्ने दिए गोरिए, लाड़े कराक दिया मूरते लाड़े कराक दिया मूरते, जन्ने दिए गंद दिए मूरते ओ बाकी ए गोरिए, नन्नी गंद लेनी गन्ने दिए
जैसे मैं ये हारमोनियम बजाता था ना, इसी के साथ प्रोग्राम करते थे पहले। मेरे हमारे जम्मू में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, मैं पंजाब से ग्रुप लेकर आता था इधर इंस्ट्रूमेंट उधर से, तो बड़े बड़े जागरण करने हैं। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि इधर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो मैं सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट लाया था पियानो अकॉर्डियन। अच्छा, अकॉर्डियन काफ़ी देर बजाया मैंने, फिर मैं म्यूजिशनों में शामिल हो गया। फिर वो करते रहे चलाते रहे, फिर अब सिंथ भी रखा मैंने, अब वो भी प्ले करता हूँ मैं। सर कौन कौन सा और कौन कौन सा गिटार वगैरह भी कर लेते? गिटार नहीं मैं बजाता, मैं तबला ढोलक बजा लेता हूँ। अच्छा, हाँ ये बजा लेता हूँ। तो मतलब इसके साथ साथ आपने इंस्ट्रूमेंट बजाना भी सीख लिया? जो भी सीख लिया साथ साथ। तो ये किसी से सीखा है या खुद ही बजा बजा के? नहीं मैंने सीखा था। कहाँ से सीखा? मेरे बड़े भाई थे, वो बहुत अच्छा गाते थे, उनको बहुत नॉलेज थी, लिखते भी थे और इसके म्यूजिक के बारे में, तो उन्होंने उनसे मैंने सीखा सारा। वही बैठे रहते थे उनके पास, कुछ ना कुछ पूछते रहते थे, तो वो बताते रहते थे, हम करके करते रहे। सर इस सफ़र की बात की जाए तो आपने, मुझे लगता है कि 30 से 40 साल आपको हो ही गए हो गए इस सफ़र में। हाँ जी। तो उम्र के तकाजे की भी बात की जाए और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो आपको काफ़ी एक्सपीरियंस होगा दुनियादारी का, तो किस तरह से आपको क्या किस तरह से लोग जो है पहचान है लोगों के बीच में, आप जब जागरण करते हैं तो लोग कितना प्यार जो है? लोगों का बहुत प्यार मिलता है, जहाँ भी जाते हैं हर कोई हमारे को प्यार देता है, तो बस उन्हीं के आशीर्वाद से ही हम चल रहे हैं, लोगों के आशीर्वाद से ही। तो बुनिया जी आपकी बात की जाए तो आपके भी स्पेशल ढोलक के लिए आपको लोग बुलाया करते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी, वही यही है ढोलक में। बिल्कुल। तो आपका जो फाइनेंशियल है सारा बिजनेस इसी के ऊपर है या कुछ और भी करते हो? हाँ वही यही है, यही आपकी रोजी रोटी? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आप भी सिर्फ सिंगिंग ही करते हैं? मैं भी सिंगिंग करता हूँ। जागरण वगैरह? जागरण वगैरह कोई शो शुरू हो गए। अच्छा, वो भी करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं। फिर सर अभी कोई लेटेस्ट आपने कुछ किया हो? गजल सुनाता हूँ। नहीं लेटेस्ट अभी आपका कुछ आया? हाँ हाँ, हमारा भजन एक रिलीज हुआ ना अभी नवरात्रों में। अच्छा, वो माँ बाबे वाली की बंदना है। तो सर उसकी दो लाइनें होती हैं। माँ दे भगत प्यारे आन बावे माँ दे द्वारे, माँ दे भगत प्यारे आन बावे माँ दे द्वारे, हर दिन बिच माँ दी तस वीर हुंदी है, भगतों बावे वाली रब दे करी हुंदी है, भगतों बावे वाली रब दे करी हुंदी है। राजा बावे माने तारिया, राजा बाबू तो चल बावे माने तारिया, जेड़ा जावे दरियो दा जीवन सवारिया, जेड़ा जावे दरियो दा जीवन सवारिया, ओना भगता दी टकी तक गिर हुंदी है, भगतो बावे वाली रब दे करी थोड़ा ही सुना, बट बात की जाए अगर आपके जो भी जितने भी भजन या एल्बम जो रिलीज हुई हैं तो ये कहाँ पर सुन सकते हैं आप? यूट्यूब पे सुन सकते हैं, हमारा अपना चैनल है महामाया प्रोडक्शन। अच्छा, आप उसमें सारा कुछ? तो सर आपका अपना प्रोडक्शन है उसमें? हमारा अपना प्रोडक्शन। अभी तक कितने गाने उसमें जो हैं भजन जो हैं कर चुके हैं? काफ़ी भजन गाए हैं, एक कोरोना पे भी गाया था हमने जब कोरोना आया था। अच्छा, उसके ऊपर गाया भाई। तो कोरोना तो सर अभी भी चल रहा है, कोरोना आने वाला है तो लग रही है अभी भी। हाँ वो भी गाया था। तो दो लाइनें उसकी भी हो जाए। कैसा है पैड़ा करोना आया, इसने तो सारे जग मनाया,
लिखता है, मैं खुद ही खुद ही लिखा खुद ही भजन भी मैंने खुद लिखे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर आपसे पूछना चाहूंगी, सर आप भी एक आर्टिस्ट हैं, ढोलक भी एक आर्ट है, तो आपकी नजरिए से आर्टिस्ट की कितनी वैल्यू है जम्मू कश्मीर में? वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, तो हमारे जो करने वाले हैं, जो करवाने वाले हैं, उनमें थोड़ी पेशेंस कम है थोड़ी। बिल्कुल, पेशेंस बहुत आजकल के जमाने में बात की जाए तो पेशेंस नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है यहाँ। बाकी तो बहुत कुछ है यहाँ पे जब म्यूजिशियन में, तो मैं पहले ये सोचता था मैं यार इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, तो जैसे जाके मैं थोड़ा चला बड़ा, तो ऐसे हर एक काम में मेहनत करना बहुत जरूरी होती है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, अगर मेहनत करके हम रुक जाएंगे तो फिर क्या फायदा। सही बात। सर आपको क्या लगता है, आप भी एक आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, तो किस तरह से लोग आर्टिस्ट को देखते हैं, उसकी कितनी वैल्यू होती है? आर्टिस्ट की वैल्यू बहुत है, लेकिन आगे कोई कदरदान हो तो फिर बढ़ती है, ऐसे कोई नहीं बढ़ती, ऐसे कोई पूछता नहीं है। exactly, है ना, सही बात। हमने मेहनत बहुत की, बड़ी मेहनत की, कहीं कई बार हमारे को वो भी परेशानी पड़ जाती थी, ऐसे क्या क्या है, कोई फायदा नहीं है, तो फिर भी लेकिन हमने हिम्मत रखी, छोड़ा नहीं, मैंने कहा लगे रहो, जो भी होगा देखेंगे। बिजनेस भी बोल सकते हो इसी को पैशन भी बोल सकते हो, तो बहुत बढ़िया। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, पर मैं चाहती हूँ जाते जाते एक गजल हो जाए। ठीक है। बातचीत करके और आपके बारे में जान के और आपके हाँ भजन सुन के तो बहुत ही मज़ा आया, और आपका भी ढोलक सुन के अलग सी आवाज़, अलग सा ही मज़ा है इसमें, ढोलक में भी, ढोलक जब बजाते हैं तो उसकी अलग ही मज़ा होता है। तो हर इंटरव्यू के बाद, हर एक टॉक शो के बाद मैं आप लोगों के साथ यही बोलती हूँ कि हमारे जम्मू में टैलेंट बहुत है, और टैलेंट के ऊपर जो है काम करने की बहुत ज़रूरत है, और आपको टैलेंट में रोज़ ही किसी न किसी व्यक्ति से मिलवाती हूँ और उनका जो टैलेंट है वो आप तक पहुँचाती हूँ, ताकि आप व्यूअर्स को भी पता चले कि हमारे जम्मू कश्मीर में टैलेंट कितना है। तो आप लोगों के पास भी बहुत टैलेंट है, आगे बढ़ के आए और जम्मू कश्मीर में अली पोस्ट को जो है हमारे कंटेक्ट कर सकते हैं, अली पोस्ट आपको दूर दूर तक पहुंचा सकता है, अली पोस्ट आपको पूरी सपोर्ट करेगा, और ऐसे और नए टॉक शो के लिए बने रहिए अली पोस्ट के साथ। नमस्कार।